नमस्कार, मैं डॉक्टर अग्रमा अवस्थी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वर्ण प्राशन के बारे में समझाऊंगी। मेरे पास रोज इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो बच्चे की बहुत फिक्र करते हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं अपने बच्चे के बारे में। जैसे कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है पर फिर भी टॉयलेट कर देता है बेड पे, या मेरा बच्चा इतना अच्छा खाना बनाती हूँ फिर भी खाना नहीं खाता, मेरे बच्चे को मैं इतना पढ़ाती हूँ पर उसे याद नहीं रहता, मेरा बच्चा हमेशा कमजोर दिखता है, कुछ भी खाता है उसके शरीर को लगता नहीं है, सारे बच्चे खेलते हैं पर मेरा बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में शेयर करते हैं। पर क्या आपको पता है कि आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन, जिसे स्वर्ण प्राशन कहते हैं, उसके थ्रू आप अपने बच्चों में ये सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। स्वर्ण प्राशन एक संस्कार है जो कि सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। स्वर्ण प्राशन के बारे में काश्यप संहिता ने बताया है। काश्यप संहिता के अनुसार जिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है वो बलवर्धक होते हैं, बुद्धिवर्धक होते हैं, उनके अंदर भूख लगने की क्षमता बढ़ जाती है, इसके अलावा उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और साथ में ही फर्टिलिटी पावर भी इम्प्रूव होती है। अब स्वर्ण प्राशन कराया कब जाता है? स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन कराया जाता है। पुष्य नक्षत्र सारे नक्षत्रों में से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उन बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है जिनकी मेमोरी वीक होती है, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, जिनका मेटाबॉलिज्म पावर कम रहता है, डाइजेशन पावर कम रहता है, वो बच्चे जो फिजिकली वीक होते हैं, जिनके फिजिकल स्ट्रेंथ हमेशा कम रहता है, डिसलेक्सिया के पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स में आप मेंटल स्टेबिलिटी देखते हैं कि कम है और बच्चों के बराबर, जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं से लेकर के 16 साल के बच्चों तक ये स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। जैसा कि नाम बताता है, स्वर्ण प्राशन मतलब स्वर्ण मतलब गोल्ड और प्राशन मतलब कंज्यूम करना उसको। गोल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि सर्टिफाइड है, जैसे कि गोल्ड की क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव प्रॉपर्टी रहती है। गोल्ड में क्या क्या मिलाया जाता है? स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण होता है, स्वर्ण प्राशन में मधु होता है, स्वर्ण प्राशन में घृत होता है जो कि गाय का होता है, उसके साथ मेद द्रव होते हैं। मेद द्रव्य वो होते हैं जो आपकी इंटेलेक्चुअल को बढ़ाते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। तो आप में डिफरेंस क्या देता है, जब आप नॉर्मल बच्चा देखते हैं जिसको स्वर्ण प्राशन नहीं मिला, बच्चे जिनको स्वर्ण प्राशन मिला होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। स्वर्ण प्राशन में हम शंख पुष्पी डालेंगे जो कि मेघ द्रव्य है, हम ब्राह्मी डालेंगे, यष्टि मधु डालेंगे, जटामांसी डालेंगे, सफेद मिर्च डालेंगे, अश्वगंधा डालेंगे, छोटी पिपली डालेंगे और बचा डालेंगे। आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन हर इंसान नहीं कराता है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज है जो कि आपके बच्चे को नेचुरली आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, गिलोय का रस जो कि स्वरस है, नेचुरल वे में निकाला गया है, ताजा है, इस नीम के पेड़ का हनी है जो कि सबसे अच्छा माना गया है, इसके साथ गाय का घी है जो हम यूज करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, घृत और शहद बराबर मात्रा में नहीं होता। देखिए, सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे इसमें हमने मिला दिया है और इसे तब तक चलाया है जब तक इसका घी सारे जितने भी इसमें द्रव्य हमने मिलाए थे उनकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर ले नहीं लेता। ठीक है, अब हम इसमें मिलाएंगे गिलोय। तो इतनी देर तक इन द्रव्यों को इस घी में पकाने के बाद हमारे पास इतना घी मिला जो कि द्रव्य वाला है, जो कि सारे मेद्य द्रव्य इसमें मिले हुए हैं। अब जो मेन इंग्रेडिएंट, जैसे कि मैं बता रही थी, स्वर्ण होता है इसका, अब हम स्वर्ण को इसमें मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा स्वर्ण भस्म है जो कि रिफाइंड है, इसको हम डालेंगे इसी मोटर। शहद को इसमें मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे।
आप देख सकते हैं शहद का कलर चेंज हो जाता है इसके बाद। क्या करेंगे हम, ये जो हमने घी बनाया है अभी उसको डालेंगे। इसको लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हमें ऐसे ही मिक्स करना है। और आपका स्वर्ण प्राशन तैयार हो जाएगा। इस स्वर्ण प्राशन की डोज क्या रहती है, आप पैदा हुए बच्चे से लेकर के 16 साल के बच्चे तक आप दे सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में देना बहुत अच्छा होता है। पुष्य नक्षत्र में अगर आप नहीं दे सकते तो लगातार 30 दिन तक भी आप बच्चे को एक एक ड्रॉप स्वर्ण प्राशन की पिला सकते हैं। ये तैयार हो गया आपका स्वर्ण प्राशन।